पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कि कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं, फिर जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर रहे हैं कितनी घटनाएं घटित। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस सामान्य सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। हमारी ओर इशारा किया था, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम भी लिया है। वो बहुत आपको बहुत लेट याद आया, खत्म हो गया। मैं जज को तभी गया, फिर कहां थे अभी तक? लेकिन आपने समय नहीं, आप कहां खड़े हुए उसी समय में समय देता हूं। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करी। अरे हमारे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजान मुझे आपकी तरफ मिले। तो देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं ना कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ यहाँ बैठ गए। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया, चाचा को गच्चा दे दिया। सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे होंगे इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश के हित की बात होगी और देश हित की बात होगी।